शंकराचार्य ने हिंदुओं से अपील की है कि वो 10 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा है कि हिंदू अगर 10 बच्चे पैदा करेंगे तभी नरेंद्र मोदी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं आप? मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। सुना आपने, अब तक बीएसपी नेता 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन बद्रिका पीठ के शंकराचार्य वासुदेव नंद सरस्वती इनसे एक दो नहीं बल्कि 6 कदम आगे बढ़ गए। इलाहाबाद के माघ मेले में वासुदेव नंद सरस्वती ने हिंदुओं से 10 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 10 पुत्र चाहिए। शंकराचार्य ने सिर्फ 10 बच्चे पैदा करने की सलाह ही नहीं दी बल्कि ये भी बता दिया कि जिस परिवार में 10 बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे करेंगे क्या। आपको वंश चलाने के लिए एक चाहिए, एक आईएएस चाहिए, एक पीसीएस चाहिए, एक मिलिट्री में चाहिए, एक आंतरिक सुरक्षा में चाहिए, एक सामाजिक कर्म करने के लिए चाहिए, एक कृषि आदि काम करने के लिए चाहिए, बता दिया सेना के लिए, और जो बचे वो हमको दे दीजिए। दरअसल बीएसपी देश में मुसलमानों की बढ़ती संख्या की दलील दे रही है जबकि हिंदुओं की संख्या कम होने की बात कर रही है। इस बीच अशोक सिंघल ने तो सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि सबके लिए समान कानून बने या फिर हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। सबके लिए 2 बच्चे पैदा करो, सबके लिए कानून हो कि एक ही विवाह होगा, ये सबके लिए अगर कानून बनता है तब तो समझ में आता है। और हिंदू समाज की जनसंख्या घटती रहे और इस्लाम की समाज इस देश में संख्या बढ़ती रहे, ये कानून देश में नहीं चलना चाहिए। शंकराचार्य से पहले उज्जैन के महामंडलेश्वर ने 3 बच्चे तो बीएचपी नेता साध्वी प्राची और प्रवीण तोगड़िया ने 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। सवाल उठता, पहले उज्जैन के महामंडलेश्वर ने 3 बच्चे तो बीएचपी नेता साध्वी प्राची और प्रवीण तोगड़िया ने 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। सवाल उठता है कि 3 से 4 और 4 से 10 बच्चों तक पहुंची है बहस आखिर कहां जाकर खत्म होगी और मोदी के एजेंडे को कितना नुकसान पहुंचाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।